प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपका आशीष सर, और आज की वीडियो में हम चौथी वर्कशीट को पढ़ने समझने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी और 3 अगस्त की है। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में लिंग बदलो या लिंग किसे कहते हैं। तो कई बार आपको प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भाई लिंग बदलिए या ये कौन सा लिंग है, पहचान कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये व्याकरण की आपकी वर्कशीट है, और इसके लिए आप एक अलग से कॉपी बनाएंगे, 10-20 रुपए की पतली सी आएगी, और जितना भी आपके पास व्याकरण की वर्कशीट आती है वो आप सेपरेट वाली कॉपी में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़िए और समझिए। तो पढ़ना है आपने और समझना है। तो क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर, देखो, बालक दौड़ता है, बालिका दौड़ती है। चलिए और जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। जो बालक है वो तो दौड़ता है, जो बालिका है वो दौड़ती है। तो समझ में आ रहा है आपको, जो बालक है वो तो दौड़ता, यानी कि पुल्लिंग है इसलिए दौड़ता, और स्त्रीलिंग है इसलिए दौड़ती। इसी तरह से दादाजी अखबार पढ़ते हैं और दादी जी अखबार पढ़ती हैं। तो देखो, दादाजी के लिए ते आया है और दादी के लिए ती, क्योंकि दादी स्त्रीलिंग है। इसी तरह से नायक अभिनय कर रहा है, रहा नायक के लिए, नायक पुल्लिंग है और इसके लिए रहा जो है वो पुल्लिंग जैसा क्रिया है। नायिका अभिनय कर रही है। इसी तरीके से छात्र कविता सुनाता है और छात्रा कविता सुनाती है। तो देखो, यहाँ पर दौड़ती, पढ़ती, रही, सुनाती, ये सारे स्त्रीलिंग की तरह हैं, और दौड़ता, पढ़ती, रहा है, सुनाता है, ये सारे क्या हैं, आपके स्त्रीलिंग हैं। तो चलिए थोड़ा सा से और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज की वर्कशीट हमें क्या पढ़ाना समझाना चाहती है। ऊपर लिखे गए वाक्यों में रेखांकित शब्द, जो बालक, दादाजी, नायक और छात्र, ये सारे पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी कि पुल्लिंग। तो और इसी तरह से बालिका, दादी जी, नायिका और छात्रा, ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं, यानी कि फीमेल। अतः पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्री जाति का बोध कराने वाले को स्त्रीलिंग कहते हैं। जिनसे भी आपको पुल्लिंग का, यानी कि पुरुष जाति का पता लगे, वो आपका क्या होगा, पुल्लिंग होगा, और जिससे स्त्री जाति का, फीमेल का पता चले, वो आपकी स्त्रीलिंग होगी। तो चलिए थोड़ा सा और जूम करके हम यहाँ पर देखते हैं। पुल्लिंग शब्द देखो, जैसे लेखक पुरुष होता है, पुत्र मेल होता है, मुर्गा भी मेल है, मामा जी भी मेल हैं, शेर भी मेल है, और मोर भी मेल है, ठीक है। अब इसके फीमेल क्या होंगे, लेखक का लेखिका, पुत्र का पुत्री, मुर्गा का मुर्गी, मामा का मामी, शेर का शेरनी, और मोर का मोरनी। तो ये सारे आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समझ गए होंगे। हिंदी व्याकरण में सिर्फ दो ही लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग, ठीक है। जबकि संस्कृत में अगर हम बात करें तो इसमें एक और लिंग होता है, नपुंसक लिंग, जो कि हिंदी में नहीं होता है। तो हिंदी में दो ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर भी आपको बहुत अच्छी बना रखी है, एक आपका लड़का है और एक लड़की है। तो ये लड़का आपका पुल्लिंग है और ये लड़की आपकी स्त्रीलिंग है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। तो आइए, आपने क्या सीखा ये जानते हैं कि आज की व्याकरण की जो वर्कशीट थी, लिंग बदलो, लिंग की पहचान कीजिए, उसमें आपने क्या सीखा। सबसे पहले देखो, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए, लिंग बदलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर घोड़ा, तो घोड़े का क्या लिखोगे, घोड़ी, यहाँ पे लिखोगे घोड़ी। अब आगे देखते हैं, दूसरा है रस्सा, है ना, रस्सा, और इसका फीमेल होगा रस्सी, ठीक है। उसी के तरह देखो बूढ़ा, तो बूढ़ा का क्या होता है, बूढ़ी या बुढ़िया, तो आप इसे लिखोगे बुढ़िया, ठीक है।
इसी तरह से बंदर है तो बंदर का बंदरी नहीं होता बल्कि बंदरिया। देवर का लिखोगे तो देवरानी, देवर पुल्लिंग है और देवरानी स्त्रीलिंग है, लिखते रहिए। हाथी का लिखोगे तो हथिनी, क्या आता है हथिनी, जो भी डिफिकल्ट है आप उसे ऐसे लिखेंगे। शिक्षक का होगा शिक्षिका, छोटी की माँ, छोटी की मात्रा और आ की मात्रा आ जाएगी। इसी तरह से श्रीमान, आप अपने प्रिंसिपल अगर आप मेल हैं तो श्रीमान लिखते हैं और आपकी प्रिंसिपल फीमेल है तो क्या लिखेंगे, श्रीमती। उसी तरह से युवक, अगर आप मेल हैं तो आपको युवक कहेंगे और फीमेल हैं तो आप युवती कहेंगे, आपको युवती, युवकी नहीं। अभिनेता यानी कि जो हीरो होता है और हीरोइन को कहते हैं अभिनेत्री, ठीक है। तो ऐसे त्री आप जोड़ दोगे तो पहला सवाल आपका क्लियर हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं, खालिस्तान को निम्नांकित शब्द के लिंग बदल कर भरना है। तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, अब आपको क्या करना है, इसे यहाँ पर जो अंडरलाइन है उसका यहाँ पर लिंग बदलना है। चलिए देखते हैं, पहले देखो रमेश के एक पुत्र और एक, यहाँ पे लिखोगे पुत्री, क्या लिखोगे पुत्री, एक पुत्र है और एक पुत्री है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा देखो, चिड़िया घर में एक शेर और, यहाँ पे लिखोगे शेरनी, ठीक है, चिड़ियाघर में एक शेर और शेरनी लाए गए। उसी तरह से स्कूल में माता और पीटीएम में किसको बुलाया जाता है, माता और पिता, ठीक है, छोटी की मात्रा पिता। अब इसी तरह से पांचवा देखो, चौथा, घर में चूहा और कौन घूम रहे हैं, तो चूहा की घरवाली कौन होती है, चूहिया, ठीक है, तो इसे कहते हैं चूहिया। अब देखो अगला है पांचवा, राजा के महल में नौकर और, तो यहाँ पे आएंगी नौकरानी, ठीक है, नौकरानी, राजा के महल में नौकर और नौकरानी रहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये थी आज की वर्कशीट, उम्मीद करूँगा आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए आपका सवाल है, आपका नाम क्या है, आपका नाम ज़रूर मुझे कमेंट में लिखेंगे अपना नाम और साथ में आप पुल्लिंग हैं या स्त्रीलिंग हैं। तो जैसे मेरा नाम है आशीष, ठीक है, आशीष है, तो मैं लिखूँगा आशीष - पुल्लिंग, ठीक है। इसी तरह से आपका क्या नाम है और आप पुल्लिंग हैं या स्त्रीलिंग हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इस वीडियो को आपने लाइक करना है, अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें। और अगर आपकी पुरानी कोई वर्कशीट छूट गई है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप पुरानी वाली वर्कशीट भी पीछे वहाँ से लिंक से देख सकते हैं। धन्यवाद।